आप सभी ने कलर्स के न्यू सीरियल फना इश्क में मरजावा का ट्रेलर तो देखा ही होगा, जिसमें हमें टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रीम शेख पाखी का खूबसूरत किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं, जिनके फर्स्ट लुक को देखकर ही दर्शक दीवाने हो गए हैं और इन्हें खूब पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इस सीरियल में नजर आने के लिए पहले रीम शेख ने 3 शर्तें मेकर्स के सामने रखी थी, जिनके पूरा होने के बाद ही इन्होंने इस सीरियल में कदम रखा है। तो इसीलिए आज हम आपको रीम शेख की उन 3 शर्तों के बारे में बताने वाले हैं जो इन्होंने इस सीरियल में करने के लिए रखी थी। तो आइए जानते हैं फिर। नंबर 1, को स्टार चेंज। रीम शेख ने इस सीरियल में काम करने के लिए सबसे पहली शर्त ये रखी थी कि इन्हें अपने को स्टार में चेंज चाहिए, क्योंकि इनका कहना था कि शोएब अजीम के साथ काम कर करके ये बोर हो गई हैं और अब एक नए सीरियल में एक पुराने एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहती। इसीलिए इन्होंने मेकर से कह दिया था कि अगर वो को स्टार चेंज करेंगे तभी ये इस सीरियल में काम करेंगी, वरना ये सीरियल को टाटा बाय बाय कह देंगी। नंबर 2, फीस। रीम शेख ने इस सीरियल में काम करने के लिए मेकर्स के सामने दूसरी शर्त ये रखी थी कि ये इस सीरियल में तभी काम करेंगी जब वो इन्हें ज्यादा फीस देंगे, इतनी फीस जो इन्हें पहले किसी सीरियल में ना दी गई हो। अगर वो इतनी फीस दे सकते हैं तभी ये सीरियल में काम करेंगी, वरना ये किसी और सीरियल को अपना लेंगी। जिनकी इस शर्त को मेकर्स ने मानते हुए कहा कि आप इसी सीरियल में काम कीजिए, हम आपको वही फीस देंगे जो आपको चाहिए, तब जाकर रीम शेख ने इस सीरियल में काम करने के लिए हामी भरी थी। नंबर 3, लीड रोल। रीम शेख ने इस सीरियल में काम करने के लिए तीसरी और आखिरी शर्त मेकर्स के सामने ये रखी थी कि ये इस सीरियल में सिर्फ और सिर्फ लीड रोल ही करेंगी, ये किसी भी साइड रोल में नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ये नहीं चाहती कि इनकी पॉपुलैरिटी जरा भी डाउन हो। इसीलिए इन्होंने मेकर से कहा था कि मेन कैरेक्टर ही इन्हें सूट करता है, अगर वो इन्हें मेन लीड रोल में कास्ट करना चाहते हैं तो ही ये उनके सीरियल में काम करने को तैयार हैं, वरना इन्होंने मेकर्स को कह दिया था कि आप कोई और एक्ट्रेस ढूंढ लें, जिसके बाद मेकर्स ने इनकी ये शर्त मानते हुए इन्हें लीड रोल ही ऑफर किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेकर्स ने रीम शेख को इस सीरियल में कास्ट करने के लिए सही डिसीजन लिया है या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।